10.4 बहु प्रतिबिंब। आप जानते हैं कि एक समतल दर्पण वस्तु का केवल एक ही प्रतिबिंब बनाता है। यदि दो समतल दर्पणों को संयोजित किया जाए तो क्या होगा? दो समतल दर्पणों को आपस में समकोण बनाते हुए रखें। दर्पणों के बीच यदि एक सिक्का रखा जाए तो सिक्के के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? चित्र में दिखाए अनुसार दर्पण एक द्वारा वस्तु ओ का प्रतिबिंब O1 पर बनता है। इसी प्रकार दर्पण दो द्वारा वस्तु ओ का प्रतिबिंब O2 पर बनता है। दर्पण एक द्वारा दर्पण दो का प्रतिबिंब दर्पण एक के पीछे बनता है। यह दर्पण दो का आभासी प्रतिबिंब है। यह आभासी दर्पण O1 पर बने वस्तु के प्रतिबिंब को वस्तु मानकर उसका प्रतिबिंब O3 पर बनाता है। इसी प्रकार दर्पण दो द्वारा बने दर्पण एक के आभासी प्रतिबिंब द्वारा आभासी वस्तु O2 का प्रतिबिंब भी O3 पर ही बनता है। अतः दो लंबवत दर्पणों के मध्य रखे किसी वस्तु के कुल 3 ही प्रतिबिंब बनते हैं, अर्थात किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी वस्तु की भांति कार्य करता है, जिसका हम आभासी प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। कलाइडोस्कोप भी इसी सिद्धांत पर आधारित है। अब दर्पणों को आपस में 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 120 अंश, 180 अंश आदि कोण बनाते हुए संयोजित करें। प्रत्येक प्रकरण में वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? जब दर्पणों को एक दूसरे के समानांतर खड़ा रखा जाए तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? आप अपने अवलोकनों से पाएंगे कि प्रतिबिंब की संख्या इस बात पर निर्भर करेगी कि दोनों समतल दर्पणों के बीच का कोण कितना है। यानी प्रतिबिंब की संख्या बराबर 360/θ(1). यदि दोनों दर्पणों के बीच का कोण 90 अंश है तो 360/90(1) = 4(1) = 3 प्रतिबिंब बनेंगे।